प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको तुला राशि और लग्न वालों के लिए ये वर्ष 2024 किस प्रकार का रहेगा इसकी जानकारी दूंगा। 2024 में तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ खास प्रभाव तुला राशि वालों को मिलने वाला है, इसकी मैं जानकारी देने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, इससे आपको आगे आने वाले वर्ष की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपकी तुला राशि है या फिर आपका तुला लग्न है, दोनों ही प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले आगे आने वाले वर्ष में ऐसे ग्रह जो लंबे समय तक एक जगह गोचर करते हैं उनकी जानकारी दूंगा, यानी शनि की, राहु केतु की और गुरु की जानकारी आपको दूंगा। फिर आपकी राशि या लग्न के स्वामी जो कि शुक्र बनते हैं, उसका प्रभाव आगे आने वाले वर्ष के विभिन्न महीनों में आपको कैसा मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। इससे आपको पता लगेगा कि आगे आने वाले वर्ष में किस तरह का प्रभाव रहना है, और अंत में आगे आने वाले वर्ष के लिए एक विशेष उपाय भी बताऊंगा जो आपको अवश्य करना है। उन समय तो अवश्य करना है जिस समय पर आपको कमजोर प्रभाव मिलने वाला हो, या फिर जिन समय पर नकारात्मक स्थिति बनेगी उन समय तो ये उपाय आपको बिल्कुल करना है, तो वो समय भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे और चैनल पर नए हैं तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही रोचक और नई वीडियो आगे भी प्राप्त होती रहे। अब आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तुला राशि और लग्न वालों की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आगे आने वाले वर्ष में पहले बात शनि की ही करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि शनि आपके लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव में शनि के बारे में मैंने आपको बताया है, ये इतना शुभ नहीं होता, ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी वाला प्रभाव देता है, विशेषकर काम में रुकावट या देरी उत्पन्न होती है शनि के पंचम में होने से, और ये प्रभाव तुला राशि और लग्न वालों को देखने को मिल रहा हो ये संभव है, क्योंकि शनि का काम है डिले उत्पन्न करना। वैसे तो अपनी ही राशि में है, बलवान है, लेकिन फिर भी इतना शुभ प्रभाव कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि शनि के बलवान होने पर थोड़ा धीमे प्रभाव मिलता है। ये बात अलग है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा, भले आज नहीं लेकिन कल अवश्य मिलेगा, ये आपको उम्मीद बनाए रखना चाहिए, और ये शनि भी आपको अपने कर्म का फल अवश्य प्रदान करते हैं। इसीलिए ये जो शनि की स्थिति है, आगे आने वाले वर्ष में राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनि रहने वाले हैं, बलवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और आपकी कुंडली के कारक होने के कारण आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। हाँ, जिनकी तुला राशि है उनकी राशि से पांचवें शनि शनि की पनौती का निर्माण करते हैं, और इस समय पर भी अन्य से धोखा मिलना, रुकावटें आना, परेशानी आना, ये प्रभाव देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता आपको दे सकता है। लेकिन आप बात मानिए, आपके लिए ये शनि का प्रभाव फिर भी आगे आने वाले वर्ष में कुछ मजबूती अवश्य उत्पन्न करने वाला है, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि लंबे समय से जो काम आपके अटके हुए थे वो आगे आने वाले वर्ष में बनेंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में स्थित शनि राहु को एक्टिव करेंगे। अब राहु अभी तक तो आपके सप्तम भाव में थे, पिछले साल यानी 2023 में राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, और सप्तम भाव में राहु कहीं ना कहीं चिंता देने वाले होते हैं, क्योंकि देखो राहु की पहले अष्टम भाव की स्थिति आपने देखी, फिर सप्तम भाव की स्थिति देखी, दोनों में ही थोड़ा कमजोर प्रभाव होता है। और ये बात तो मैंने आपको पिछले साल भी कही थी कि आपके लिए जो राहु की स्थिति है वो सबसे ज्यादा नकारात्मक आती है, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव, वैवाहिक जीवन की स्थिति को खराब करने वाला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। व्यापारी है तो व्यापार में परेशानी उत्पन्न करने वाला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब जब ये अक्टूबर के अंत से राहु ने राशि परिवर्तन किया तो राहु आपके चले गए कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव रोगों का भी होता है, छठा भाव शत्रुओं का होता है, चैलेंजर्स का होता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं का होता है। तो जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं राहु के यहां आ जाने से उसमें शुभ प्रभाव मिलेगा। राहु के आने से आपके शत्रु एक्टिव जरूर हो जाएंगे, लेकिन राहु शत्रुहंता योग बनाता है, इसलिए आपको शत्रुओं से घबराने की कोई जरूरत अब पड़ेगी नहीं, और ये राहु का प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा। शनि इसी नक्षत्र में है राहु के,
राहु के ही नक्षत्र में है शनि, इसी कारण से छठे भाव का प्रभाव मजबूत होने वाला है। जो नौकरी में है उन्हें सफलता मिलने वाली है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है। हाँ ये जरूर है, अगले साल मई के बाद ट्रांसफर जैसे योग भी बन रहे हैं तो वो स्थिति बन सकती है। हाँ लेकिन जो विदेश जाना चाहते, जैसे ट्रांसफर के चलते आप कहीं बहुत दूर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, विदेश की कंपनी से जुड़ना चाहते थे, आपके लिए समय अच्छा है और आगे आने वाले वर्ष में आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर तुला राशि और लग्न के ऐसे जातक जाती का जो बाहर जाके अपना काम करना चाहते थे, उनके लिए मई के बाद सुनहरे अवसर बनने वाले हैं। तो इसलिए ये अच्छा प्रभाव है आपके लिए। राहु का छठे में होना शत्रुघ्नता तो बनाएगा ही, रोगों से परेशानी से मुक्ति दिलाता देखा गया, ये अच्छी बात है। इसके अलावा केतु 12वें भाव में है। केतु 12वें भाव का मोक्षकारी होता है, आपको धार्मिक परोपकार में जोड़ता है, धार्मिक कार्यों में लगाता है, मंत्र ध्यान साधना इस तरह के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती है और अगला वर्ष तो बहुत अधिक रुचि बढ़ा रहा है क्योंकि केतु 12वें भाव में गुरु 8वें भाव में जाएंगे मई के बाद, यानी पूरी स्थिति आपके लिए ऐसी बनने वाली है। आपको अगले साल हो सकता है अकेला रहना पसंद आए, आप अकेले रहना चाहे थोड़ा अधिकतर, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से जोड़ेंगी, धार्मिकता में जोड़ेंगी। वैराग्य के योग अगले वर्ष थोड़े एक्टिव होने वाले आपके लिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप घर परिवार छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि निश्चित ही आप धार्मिक कार्यों से बहुत अधिक जुड़ जाएंगे और आगे आने वाले वर्ष में बहुत अधिक धार्मिक कार्य आपके हाथों से होंगे। अब इसमें गुरु का प्रभाव भी जोड़ लेते हैं। गुरु 1 मई तक, अगले साल के 1 मई तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए तो यूं भी कोई प्रमुख ग्रह नहीं होते, लेकिन सप्तम भाव में गुरु का गोचर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा है, जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी गुरु की स्थिति बढ़िया है। लेकिन ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, व्यर्थ की बात को लेकर विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये गुरु आपको लाभ भी प्रदान करेंगे, आपको कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभालने का गुण प्रदान करेंगे, जो आप में है उसको और अधिक बढ़ाएंगे उस गुण को, और आप सभी चीजों को अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा मई के बाद गुरु अष्टम भाव में जाएंगे। अब देखो आपके लिए तो कोई कारक ग्रह होते नहीं है, मतलब मैं ये बोलूं कि गुरु बहुत प्रमुख ग्रह है आपके लिए, तुला राशि लग्न वालों के लिए गुरु कोई बहुत प्रमुख ग्रह है ये तो नहीं कहा जा सकता, तो अष्टम भाव में जाना खराब तो नहीं है इतना। हाँ अष्टम भाव में गुरु के होने से स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी बनती है, जैसे आपको पेट संबंधी कोई परेशानी हो, आपको लीवर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो, तो वो बढ़ सकती है गुरु के अष्टम में जाने से। गुरु पेट के कारक है, उसी में थोड़ा अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। अदरवाइज तो आप देखेंगे गुरु का प्रभाव अच्छा है, अष्टम में भी गुरु खराब नहीं होते, धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, शुभ काम आपसे करवाएंगे, आप दान करें परोपकार करें, ये सब प्रभाव देने का आपको गुरु काम करेंगे। यात्राएं बहुत हो सकती है, परिवर्तन बहुत हो सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव मिलेगा, एंड रिजल्ट जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। यानी आगे आने वाले वर्ष में तीन प्रमुख ग्रह जो शुभ होने चाहिए वर्ष कुंडली के लिए, वो अच्छी स्थिति में है। भले शनि के कारण थोड़ी मेहनत हो लेकिन परिणाम भी है, और अन्य ग्रह तो बदले ही है, वो सकारात्मक है, तो ये स्थिति बढ़िया है। अब इसमें ध्यान कौन से महीने में अधिक रखना है वो शुक्र के हिसाब से देखिए। शुक्र सूर्य बुध मंगल ये जो 4 ग्रह है, इनके हिसाब से जो महीने का प्रभाव है वो किस तरह का अपनी ऊर्जा लेकर चलेगा वो निर्धारित हो जाता है। तो शुरुआत के समय पर तो समय आपके अनुकूल रहेगा, धन लाभ के स्थिति अच्छी रहेंगी प्रारंभ से ही, थोड़ा मेहनत करना पड़े शुरुआत में ही, बल्कि मैं बोलूं फरवरी में ही यात्रा आदि का प्रभाव बन सकता है, थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है किसी काम को लेकर, लेकिन काम बनेंगे आपके उस समय पर। उसके बाद तो फिर अगर आप भूमि भवन वाहन या अपने सुखों पर खर्च करना चाहे समय अच्छा रहेगा। इस साल देखो एक ही बात ध्यान रखना है, शुरुआत का समय थोड़ा मेहनत वाला लग सकता है लेकिन लाभ देने वाला है फिर भी, तो मेहनत थोड़ी लगे करिएगा, परिणाम अच्छा मिलेगा। ध्यान आपको रखना है 25 अप्रैल से। अब ध्यान से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा आपको ज्यादा प्रयास जो शुरुआत में नहीं है उससे ज्यादा 25 अप्रैल के बाद करना पड़ सकता है, क्योंकि 25 अप्रैल से आपके राशि या लग्न के स्वामी जो शुक्र होते हैं वो अस्त हो जाएंगे, और शुक्र का अस्त होना आपको ऐसा लग सकता है कि जो ऊर्जा आपके अंदर थी वो थोड़ी कम पड़ गई है, यानी आपका जो सही एफर्ट लगना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी और उसकी कमी आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। दूसरे नंबर पर शुक्र का जो प्रभाव है
ये 29 जून तक ऐसा ही रहेगा, यानी लगभग 2 महीने है, पूरा मई पूरा जून इसी प्रकार का नजर आता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बीच में शुक्र का जो प्रभाव है वो गुरु के साथ भी रहेगा और ये लक्ष्मी योग बनाएगा, धन योग बनाएगा, अष्टम भाव में रहेगा लेकिन अपनी ही राशि में रहेगा। तो अपनी राशि में ग्रह बलवान होता है, तो जब तक मेष राशि में है तब तक थोड़ी कमजोरी है 31 मई तक, उसके बाद जून के उसमें अपनी ही राशि में रहेंगे तो प्रभाव अच्छा रहेगा और अस्त होने के बाद भी इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी जब ये अस्त रहेंगे तब शुक्र को विशेष रूप से बलवान करना है, और उसको बलवान अगर आप कर लेंगे तो फिर आगे का जो पूरा वर्ष है बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर नवम भाव भाग्य भाव में शुक्र रहेंगे, भाग्य बढ़ाएंगे, दशम भाव में करियर में अच्छा प्रभाव देंगे, लाभ देंगे, 12वें में जाते हैं तो थोड़ा खर्च बढ़ा सकते हैं, नीच राशि में भी रहेंगे क्योंकि, लेकिन विदेश ले जा सकते हैं, यात्राएं करवा सकते हैं, फिर लग्न में आ जाएंगे, तो यानी ओवरऑल प्रभाव देखें तो केवल और केवल ज्यादा कमजोरी आपके लिए अप्रैल वाले महीने में अधिक बनती है, और अप्रैल से विशेषकर 15 मई, क्योंकि सूर्य भी वहीं रहेगा, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि गुरु जो शुक्र अस्त रहेंगे दोनों शुक्र गुरु, वो थोड़े कमजोर उस समय प्रभाव मिलेगा अप्रैल मई के लगभग, उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन उस समय पर भी अच्छा प्रभाव लेने के लिए एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप उस भले पूरे साल भर ना करें, उस महीने के अंदर जितने भी शुक्रवार है, 2 महीने अप्रैल मई और जून, मतलब अप्रैल का एंड है 25 अप्रैल है तो 29 जून तक, इस बीच के टाइम पर आपको ये काम करना है कि प्रत्येक शुक्रवार को अगर आसपास कोई माता का मंदिर हो तो माता के मंदिर जाना है, वहां पर आपको कोई भी सफेद मिठाई का, सफेद फूल का, आपको मतलब सफेद फूल आपने अर्पित कर दिए, पूजा आदि कर दी माता की, सफेद मिठाई का भोग लगा दिया आपने, वहां सभी को बांट दिया। ये भी किया जा सकता है कि शुक्रवार के दिन आप किसी कन्या को भोजन करवाए, आपकी घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, लेकिन उनकी पूजा करें, उनको भोजन करवाए, और कहीं ना कहीं जो भी अपनी तरफ से आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं वो प्रदान करें, आपको इससे शुक्र का प्रभाव अच्छा मिलेगा, आपसे शुभ काम भी हो जाएगा, आपको शुभ परिणाम भी मिल जाएगा, और आप देखेंगे आगे आने वाले वर्ष का पूरा सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। ये 2 महीने बस आप ध्यान रखें, बाकी पूरा वर्ष अच्छा है और आपके लिए लाभ देने वाली स्थिति बना रहा है। हाँ ये है कि मेहनत करना पड़ेगी, जो मेहनत से पीछे हटेंगे उन्हें परिणाम नहीं मिलेगा। और एक बात अंत में बता रहा हूं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कि आपकी कुंडली में भी आगे आने वाले वर्ष के लिए दशाएं आदि अच्छी होनी चाहिए, वर्षफल का प्रभाव अच्छा होना चाहिए, अन्यथा आपने देखा कि हाँ बहुत चलो सब अच्छा अच्छा बताया, सब अच्छा ही होगा, और आपकी स्वयं की कुंडली की स्थिति खराब चल रही है तो फिर इतना प्रभाव गोचर भी नहीं दे पाएगा, ये सपोर्ट करेगा, लेकिन जहां आपको 100% मिल सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से निर्भर होगा कि वो 50 मिलना है, 30 मिलना है या 70 मिलना है, कुंडली की दशा स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये प्रभाव मिलेगा अवश्य। अब कुंडली की शुभता पर निर्भर करता है कितना ज्यादा कितना कम, तो उसके अनुसार ध्यान रखकर उस दशा आदि के उपाय कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको फिर पूरा सकारात्मक प्रभाव आगे आने वाले वर्ष का मिलेगा। बाकी तो ये वीडियो आप देख ही चुके हैं, आपको आगे आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप आगे आने वाले वर्ष में अच्छी तरक्की प्राप्त करें यही ईश्वर से मेरी कामना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।